भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छा मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास रहता है, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा 5911 मुर्रा डेयरी फार्म से। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ओनर है जी, जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भाई मंजीत, काफ़ी पशुपालक भाइयों की काफ़ी चाहते हैं। और हम बात करें ज़्यादातर जो कि बाइके डेयरी फार्म पर हमें ताज़ा ब्याई हुई जो भैंसें हैं वो बिक्री के लिए उपलब्ध मिलती, लेकिन आज बाखड़ी भैंस की वीडियो लेके आ रहे हैं जी। और वो बाखड़ी भैंस है जिसकी हम बात करें जी ब्यूटी में 5 स्टार या फिर हम 7 स्टार कहें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आज की वीडियो लेके आ रहे हैं भाई मंजीत के डेयरी फार्म से 22 जोटे की डिटेल्स पूछें। लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलवाना चाहेंगे भाई से और इस जोटे की है डिटेल्स लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहिल जी, सबसे पहले तो आप इतनी दूर से आए सर्दी में, उसके लिए धन्यवाद। जितने पशु प्रेमी आपसे जुड़े हुए हैं सभी भाइयों को राम राम जी। तो आज जो है काफ़ी इन दिनों के बाद और मेरे हिसाब से कमी लेके आते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो कि लेके आते हैं, तो आज बाखड़ी भैंस जो हमारे से दिखा रहे हैं तो काफ़ी दिनों के बाद हमें आपके डेयरी फार्म पर देखने को मिली जी बाखड़ी। ताज़ी भैंसे हर रोज लेके आ रहे हैं। हाँ जी, और कोई भाई 1.5-2.5 लाख की भैंस लेने वाला भी नहीं है। बिल्कुल, काफी ऐसे भाई होते हैं जो कम रेंज की भैंस लेना पसंद करते हैं। हाँ, और मोस्टली निकल नहीं पाती। दूसरी बात, पशु तो मिल जाते हैं कम रेंज के भी। हाँ हाँ, लेकिन हर रोज स्लेटर हाउस के लिए पशु जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे हटके बात करें तो देखिए, नाम बनाना ज्यादा औखी बात नहीं, नाम को कमा के वहाँ मेंटेन करना बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसलिए ब्यूटी वाली जोटी मिलती नहीं। हाँ, अड़े टेढ़े सींग है वो मिल जाती हैं। तो ग्राहक अपने पास अच्छे हैं जो बोलते हैं पैसे चाहे 10,000 ज्यादा लग जाए, चीज अच्छी मिले। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज मेरे हिसाब से मिल्क की भी अच्छी रही है। हाँ हाँ। तो ब्यूटी में तो आज भी अगर कहीं खड़ी करें तो मेरे हिसाब से फेस से लेके टेल तक कोई कमी हो तो निकाल के आप भी दिखा दो और भाई और भी निकाल के दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल जी। काफी ज्यादा जो कि कवरेज करते हैं जी बाखड़ी भैंसों की, लेकिन इस प्रकार की जो बाखड़ी भैंसे हैं जी काफी कम देखने को मिलती है। ब्यूटी काफी लाजवाब आज की तारीख में अगर हम बात करें फेस से लेकर के और जो पीछे बिल्कुल जो टेल है यहाँ तक, अगर हम कोई माइनस पॉइंट निकाले जुट्टी में आज की तारीख में एक भी माइनस पॉइंट नहीं, पीठ पुट आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं काफी जबरदस्त है। दो दांत में इसने 16 किलो 15.5 किलो दूध निकाल रखा है। अच्छा जी। और एक बार बीच में खाली निकल गई थी। अच्छा। अभी 4th महीने में प्रेग्नेंट चल रही है। अच्छा जी। हाँ, मतलब 3 से कंप्लीट होके 4th में एंटर कर चुकी है। अच्छा जी। 20 तारीख से। ठीक है, इस बार उम्मीद ये है जो कम से कम दूध देगी ना, तो मैं लोगों की तरह 25 की तो नहीं कहता, 18-18 किलो दूध नॉर्मल रूटीन का निकाल, नॉर्मल रूटीन का। तो ये देख सकते हैं जैसे कि भाई साहब ने अभी गाड़ी से उतारते ही कर रहा हूँ, और वीडियो डाल वीडियो अगर डालोगे तो पहले 1 घंटे में बेच दूंगा जोटी। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि काफी फोन आ रहे थे बाखड़ी कम लेते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ देखो स्लेटर हाउस वाले जो घूम रहे हैं ना। हाँ जी। यूपी से कुछ भाई जैसे मेवात के कुछ काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी। कबाड़ लेने के लिए वही बहुत है यहाँ, तो जी माल चाहिए क्योंकि अपने पास ग्राहक पंजाब गुजरात राजस्थान के हर जगह के। हाँ जी हाँ जी। तो बात ब्यूटी की आ जाती है ना, तो दूध चाहे 1 किलो कम भी हो, क्योंकि ड्राई में तोकड़ बाकड़ी पे ब्यूटी पे पैसे ज्यादा लगते। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सबसे ज़्यादा जो कि ब्यूटी पे जैसे कि भाई साहब ने बताया कि पैसे लगते हैं, और क्वालिटी की अगर हम बात करें जो रंग है जी जोटी का काफ़ी ज़बरदस्त, नीचे से भी आपको एक बार कवर करके दिखाना चाहेंगे जी। मान लो ये भी देख लो आप यहाँ से। हाँ जी हाँ जी। कोई 1-2 बाल अंदर है, बस 1-2 ही बाल है नाम मात्र। अच्छा जी। बाकी साइज शरीर। हाँ जी। और फेस आपको कहीं आप चाहे कितने भी कवरेज करते हो नहीं, ये देख सकते हैं थड़ों में स्पेस काफ़ी अच्छा है। और फर्स्ट लैक्टेशन में 2-2 जोटी ने जो कि 16 है जो कि किलो जो कि दूध है इसने दिया हुआ है, और अब की बार दूसरे ब्यात में अगर हम बात करें भाई साहब का कहना है कि कम से कम जो कि दूध रखेगी तो 16-17 किलो दूध नॉर्मल से नॉर्मल उसमें रूटीन में जोटी आराम से रखेगी। ये देख सकते हैं एग्रेसिव थोड़ा सा पन इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तुरंत गाड़ी से उतारी और आप लोगों के लिए जो कि वीडियो कवर है वो कर रहे हैं जी। ये देख सकते हैं हाइट लेंथ, और हम बात करें आज की तारीख में एक भी माइनस पॉइंट नहीं, जो सींग है बिल्कुल छोटा सींग। अच्छा जी। तो देख लो, अंदाजा लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कलर ये नहीं कि कोई रंग पेंट हो रखा है, जो सिंपल कलर है। हाँ हाँ। दूसरा एक बार और आ जाओ। हाँ जी।
एक मुरा हिफर भी से पिछले 3 महीने के बाद अब कटड़ी ली है। हाँ जी हाँ जी। माँ का दूध है इसका 21-22 लीटर। अच्छा जी। और अभी भी 18 लीटर दूध दे रही है। अच्छा जी। 4 महीने की ब्याह हुई। 4 महीने की ब्याह हुई 18 लीटर दूध। इसकी एज है 16-17 महीने। अच्छा जी। खीरी कटड़ी है। अच्छा। अर्जुन की है, अर्जुन जो कुंगड़ से पवन भाई के पास। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। इसकी भी हाइट से आप अंदाजा लगा लो, यहाँ से देख लो। ये देख सकते हो भाई की हाइट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कम परचेज करके लेके आएंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी और अच्छे रिकॉर्ड वाली जो कि कटड़िया या फिर हम बात करें जो तोकड़ जो बैसी होती है वो परचेज करके लेके आएंगे। कटड़ी बेचने वाले तो जमुना पार जा चुके हैं, आप दे दो। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ रुके हैं तो कुछ तो दम होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। बराबर में चलने वाले मेरे हिसाब से जमुना पार है सारे। बिल्कुल बिल्कुल जी। चीज कम खरीदते हैं लेकिन वो खरीदते हैं जिसे खरीदने में जोर ना लगे, बेचने में तो 2 मिनट लगे, एक आधा घंटा खरीदते टाइम ज्यादा लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोनों अम्बाला से था एक भाई। हाँ जी। राजस्थान से था, स्पेशल डिमांड थी, वैसे नंबर में भूल गया। हाँ हाँ। अगर कटड़ी लेनी हो तो मेरे कहने से ही कटड़ी ले लेना। अच्छा जी ठीक है। नीचे से भी आप लोगों को एक बार कटड़ी को दिखाना चाहेंगे जी। नीचे से आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त नीचे की बिल्कुल कल्ले कल्ले ठण लगे हुए हैं और मजबूत ठण के जो हिफर देख सकते हैं जैसे कि भाई साहब ने नीचे से भी बताया। मुश्किल से 1.5 इंच सफ़ेद है, 2 इंच भी नहीं है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाल हैं टूट गए। अर्जुन कुंगड़ जो ऑल इंडिया जो चैंपियन रह चुका है उसकी जो कटड़ी आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं और मदर साइड मिल्क रिकॉर्ड 20-21 लीटर दूध और आज 4 महीने की ब्याह हुई में मौके पे 18 लीटर दूध है। 15 किलो से कम दूध देना तो भी जुम्मेवार है कटड़ी के। अच्छी भैंस की है। अच्छा जी। भैंस की के जुम्मेवार बनते, बाकी तो मौके का कुछ नहीं पता, क्या पता कितना निकाले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी भैंस की अच्छी निकलेगी। अच्छा जी। तो दांतों में अदंत है। अदंत है जी। एज कितनी हो चुकी है इसकी? 16-17 महीने। 16-17 जी। बाकड़ी काफी लाजवाब, यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कटड़ी का कैसा साइज है। थोड़ा सींग बनो, आगे कटिंग करो, आगे खड़ी कर दी। हाँ। कैंसुलेशन में आ गई तो वही कीमत पता नहीं कितनी मांगनी पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिक्री के काम में ये है, 2-4 हजार बने, अगले घर देख लेगी अपना क्यों कंपटीशन लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये देख सकते हैं 50 हजार रूपए जेब में चाहिए एक्स्ट्रा लड़ने के लिए। हाँ जी। इससे अच्छा 5-7 हजार कम आगे किसी जमींदार को दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो रुतबा खड़ा होने का भी भी। बिल्कुल साइज काफी अच्छा इस एज में भाई साहब। और एक बार दांतों में भी आप लोगों को एक बार दिखा देंगे। कोई नहीं भाई साहब, चोट के लाले की गारंटी है, कोई भाई ले होगा दंत कटड़ी। अच्छा जी। तो रेट भाई साहब? रेट भाई मुक्का का है। अच्छा, रेट मुक्के का करना चाहिए। वीडियो में बता दी थी राज भी। हाँ जी। दुनिया बेचा है पशु झूठ बोले पूरे बेचा डठोर के साथ। अच्छा जी। खाड पहले रहेगी तू मार रहेगा तो खाड भी होगी। हाँ जी हाँ जी। देख लो, ये देख सकते जी खड़े होने का जो रुतबा है। और जैसे कि भाई साहब ने बताया खड़े होने का जो रुतबा, जैसे घोड़ी खड़ी होती है बिल्कुल वैसे जो अगले हैं जो पैर आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं काफी जबरदस्त और जो करेक्टर्स आप इसमें देख पा रहे हैं जी जो हीक बिल्कुल वी शेप में और ये देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी की और काफी अच्छी बल्ड लाइन की जो की कटड़ी आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। पीठ पुट्ठा काफी अच्छा जी। हाइट बाइक की हाइट से आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि हीफर में कितनी हाइट होगी। तो रेट भाई साहब इसका दोनों का जो कि मौके पे रेट है वो करना चाहेंगे। आप वीडियो तो डालो, 30 मिनट का टाइम दीजिए, 31 मिनट में मेरा खाता हूँ पेमेंट पाओगे, अगला अगर बैच भेजेंगे सुबह तैयारी पाओगे। अच्छा जी ठीक है। तो भाई के पास ये दोनों के दोनों जो कि पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है। रेगुलर रूटीन से भी स्क्रीन पे भाई का जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा है पिन पे। कॉन्टैक्ट जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी पशुपालक भाइयों का नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।